स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू रीना गुड मॉर्निंग सबिया रीना वेरी गुड मॉर्निंग रिगेल मींस बैंकेट ओके ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों ऑल राइट सो ऑडियो वीडियो प्रॉपर है रीना सबिया बताइए जरा एवरीथिंग इज फाइन सो होप एवरीथिंग इज फाइन गाइज वी आर गोइंग टू हैव डेली वोकैबलरी सेशन जीरो सेवन यानी कि आज हमारा सेवन सेशन है एंड होप इट इज हेल्पिंग यू पीपल टू बिकम मोर इजियर विदैबलरी वोबरी को हम आसान तरीके से सीख रहे हैं इन सेशन से वेलकम से. so, है आपका इस चैनल पे इंग्लिश बाई जन्मे सर आज का सबसे पहला कोर्ट लेते हैं बच्चों और कितना अच्छा कोर्ट है आप जरा ध्यान से पढ़ेंगे डू इट विद पैशन देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है यहां पे लिखा है इसको अगर हम ध्यान से देखें इट इज रिटन ओवर हियर डू इट विद पैशन इसे पैशन से करो मतलब जो भी आपको करना है उसे आप पैशन से करें राइट right, बच्चों और नॉट एट ऑल या फिर करो ही मत यानी सीधी सी बात है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो पूरे तरीके से करें या तो फिर ना करें का मतलब है कि आपका पूरा होल हार्टेडली आपको होना चाहिए पूरा डिवोटेड उसको होना चाहिए तभी जाके वो काम आपका बेस्ट हो, होता है राइट right, एवरीवन तो बच्चों इसी कॉट के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और आज का देखते हैं सबसे पहला वर्ड लेकिन सबसे पहला वर्ड हमारा एक्टिविटी टाइम का है और देखो बच्चों वर्ड वर्ड हमारा क्या है है रिफ्यूटेड रिफ्यूटेड तो रिफ्यूटेड इन द लास्ट क्लास वी हैड टेकन जी ठीक है? रिगेल उसे पहली क्लास में था बिल्कुल ठीक है आपका तो इफ आई टॉक अबाउट द रिफ्यूटेड तो बच्चों रिफ्यूटेड का मीन बेसिकली होता है डिनाई कुछ बच्चों ने उसी समय पर डिनाई का मीन एक तरह से यहां पे होता है डिसप्रूव करना किसी चीज को डिनाई करना है ना मना कर देना उस चीज को तो किस चीज को मना करना फैक्ट एक्सेट्रा को मना कर देना डिनाई करना डिस करना यही रिफ्यूट होता है है ना जैसे शी रिफ्यूटेड शी रिफ्यूटेड द एलिगेशन विच वर ऑन हर तो वे एलिगेशन जो उसके ऊपर थे उसने उनको रिफ्यूट कर दिया यानी मना कर दिया डिनाई कर दिया राइट बच्चों तो चलिए आज का हम लेते हैं पहला वर्ड फर्स्ट वर्ड ये तो अब हमारी सबसे पहले बच्चों क्या आई है इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंड कड अगर मैं कहूं तो कड क्या होती है बताइए आप लोग टू चीव द कड का मीन्स होता है कि मुंह में हमारे खाने के लिए जो होता है उसे हम कड कहते हैं एक तरह से तो उसे चीव करना जैसे आपने देखा ना कुछ लोग मतलब ऐसे मुंह चलाते हुए बात करते हैं आपने कुछ पूछा उसके बाद सोचते हैं काफी देर तक तो इसका मतलब टू चीव द कट का मीनस है टू 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 रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करना थिंक डीपली डीपली सोचना म्यूज ऑन रूमिनेट रूमिनेट देखो रुमिनेट क्या होता है ये जो वर्ड है रूमिनेट बच्चों बहुत जबरदस्त है इसका मीन्स होता है आपने देखा गाय भैंस एक्सेट्रा होते हैं वो जुगाली करते हैं खाते हुए तो वो रूमिनेट कहलाता है रूमिनेट का मीन्स है जुगाली करना ओन सम आइडिया मतलब उस आइडिया को एकदम से अप्लाई ना करके उस पर धीरे धीरे सोचते हुए वर्क करना यही हमारा क्या कहलाता है रिफ्लेक्ट करना कहलाता है तो इसी को हम कहते हैं टू द द कट कट सीधी सी बात है का मेंस है का सोचना पोन्डर करना उस चीज पे सोचना तब किसी कंक्लूजन पे आना बच्चों अगला हम देखेंगे टू कैच द टार्टर बेसिकली टार्टर अगर मैं कहूं तो इसका मीन्स होता है डेंजरस पर्सन टार्टर क्या होता है एक बड़ा ही डेंजरस पर्सन एक ऐसा पर्सन जो बड़ा ही डेंजरस है खतरनाक व्यक्ति तो इसका मीन्स है टू डील विद अ पावरफुल एडवर्सरी एडवर्सरी क्या होती है हमारे जो अगेंस्ट में हो दुश्मनी में हो एडवर्सरी में हो विपत्ति का नाम है तो किसी पावरफुल एडवर्सरी से डील करना डील विद करना इसका मतलब है टू कैच द टार्टर जैसे ऐसे समझो कि बच्चों सभी लोग किसको जैसे भेड़ बकरी होती है उनको मार के खा जाते हैं लेकिन अगर हमारे सामने शेर आ जाए तब तो कितनी मुश्किल है क्या उसे मार के खाएंगे हम जी नहीं टार्टर कहलाएगा और ऐसा ही कोई पर्सन भी हमारे लिए टार्टर होगा अगला हम देते हैं बच्चों टू कैरी द डे। इसका मतलब है पूरा दिन ले जाना तो कैरी द डे का दीन्स होता है दिन ले जाना दिन ले जाने का मतलब क्या हुआ आपने कहते ना कि आज का दिन मेरा हो गया तो इसे कहते हैं टू विन जीत करना जैसे बच्चों जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम में जब आप निकल के आएंगे जैसे कल रात की बात है यस्टरडे नाइट फाइव गो लोग जब बच्चे एग्जाम देकर निकले एग्जाम देने के बाद में पीजीटी इंग्लिश का कल पेपर था आपका मैं बता दूं डीएसएसबी का तो दे वर हैप्पी क्योंकि जो चीजें उन्होंने पढ़ी थी वो खूब सारी उनको मिली वहां पे तो इसमें क्या बना हमारा दे हैड कैरी द डे वो कैरी कर गए किसको डे को विन कर गए अगला हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे टू कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स ये भी बात होती है जैसे आप बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो बच्चों मैं आपको जो ब्लेसिंग करूंगा वो कैसी होंगी आई वुड आस्क यू टू कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स इसका मतलब क्या बनेगा टू अचीव ग्लोरियस सक्सेस तो मैं आपको जो दूंगा वो क्या होंगे बच्चों आपके लिए ग्लोरियस सक्सेस जी विवेक रीना बिल्कुल ठीक है रीना सिंह प्रिया हिना प्रिया वस्ती ऑल राइट विवेक महिमा सबिया रीना प्रिया बहुत अच्छे बच्चों सभी बच्चे जुड़ गए हैं वेरी गुड तो कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स का बच्चों मीनस होता है टू अचीव ग्लोरियस सक्सेस ग्लोरियस सक्सेस को अचीव करना जब मैं कहता हूं टू कम इन हैंडी है ना टू कम इन हैंडी तो हैंडी देखो हैंडी क्या चीज होती है जो हमारे हाथ में आराम से आ जाए मतलब जैसे बुक्स होती हैं है, हैंडी होती हैं मोबाइल हमारे हैंडी होते हैं अगर बहुत बड़ा मोबाइल हो जाए तो क्या हम उसे आसानी से ले पाएंगे जी नहीं इसका मतलब होता है जो चीज हैंडी होती है वो आराम से यूज हो जाती है का मतलब टू बी यूजफुल तो द टाइम वी से टू कम इन हैंडी यानी हैंड में आ जाना का मतलब है उसका यूज होना टू बी यूजफुल तो वो यूजफुल हमारे लिए होती है है ना जैसे हैंडी बुक है मैंने बताया आपको और बहुत सारी चीजें हैंडी आपकी हो सकती हैं अगर बुक ज्यादा बड़ी हो जाए तो आप घर पे रख आते हैं बहुत ज्यादा छोटी हो जाए तो जेब में रख लेते हैं इसका मतलब वो कैसी होनी चाहिए हैंडी होनी चाहिए ना जेब में आए ना घर पे रखें तो वो क्या यूजफुल तभी होगी समझ रहे हैं अब देखो बच्चो अगला टू क्राई वुल्फ वुल्फ चिल्लाना भेड़िया आया भेड़िया आया याद आ रही है बात आपको वो कहानी थी जिसमें बच्चा जो था वो बार बार कहता था कि भेड़िया आया तो जब वास्तव में आया तो उसे बचाने के लिए कोई आया ही नहीं है ना इसका मतलब है टू गेव फोल्स झूठी झूठा अलार्म देना मतलब झुटमुट में चिल्लाना के भेड़िया आ गया अपने का खतरा दिखाना इसे वुल्फ कहते हैं बच्चों अगला देखेंगे टू कट अ फिगर इसका मतलब क्या है ऐसी फिगर बनाना के हम सोरी मांग रहे हैं जैसे टू कट अ फिगर इसका मतलब है टू बी रेडिकल्ड मजाक उड़ाई जाना रेडिकल का मीन्स क्या होता है मजाक उड़ाए जाना इसका मतलब बच्चों होता है एक तरह से टू अपोलोजाइज बल्कि अपोलोजाई से भी एपोलोजाई से भी ज्यादा बेहतर इसका क्या होता है टुकट कट सॉरी फिगर का जी जी बिल्कुल सही है सब बहुत अच्छी बात है इसका मीन्स होता है बच्चों एक तरह से बिलो एवरेज परफॉर्मेंस होना हमारी परफॉर्मेंस कैसे होना बिलो एवरेज तो अगर हम बिलो एवरेज परफॉर्मेंस शो करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं वी आर कटिंग सॉरी फिगर हम सॉरी फिगर को का मतलब है हमें लास्ट में जाके सॉरी मांगनी पड़ेगी अपने टीचर से कि आम सॉरी मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वहां पे नहीं दी तो इसी कहते हैं टू बी रेडिकल्ड क्योंकि फिर हमारी मजाक बनाई जाएगी लेकिन अगला देखेंगे टू कट शोर्ट टू कट छोटा छोटा काटना यानी इसका मतलब है छोटा कर देना चीज को का मतलब है to make brief, छोटा करना संक्षेप्त में करना सो संक्षेप में हम इसे कहेंगे संक्षेप करना या फिर उसे छोटा बनाना ये दो बातें हमारी इसमें होंगी डन बच्चों तो ये आपका हो गया टू कट शॉर्ट अगला देखेंगे

का मीन से मतलब उस पर चढ़ाई कर देना या फिर फोर्स लगाना बल लगाना इससे हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दें तो इसे क्या कहते हैं टू कट गॉर्डियन नॉट राइट बच्चों तो जबरदस्ती या फोर्स से किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना जैसे ऐसा होता है ना सामने वाले के आप कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगाते हैं और उसे कहते हैं चलो हंसो वो हंस नहीं रहा था बहुत दिन से अब देखो ये क्या हो गया यू आर कटिंग द गॉर्डियन नॉट आप मतलब जबरदस्ती उसे हंसा रहे हैं जबकि वो हंसना नहीं चाहता अगला देखेंगे बच्चों टू डाई अ डॉग्स डेथ सब बच्चे जानते हैं अगर हमें किसी पे गुस्सा आता है तो हम उसे क्या गाली देते हैं हम गाली देते हैं जा तू कुत्ते की मौत मरेगा तो ऐसा क्या है कुत्ते की मौत में एक्चुअली बच्चों कुत्ते की मौत का मतलब होता है कि वो टू डाई अ डॉग्स डेथ इसका मतलब होता है अनहीरोइक डेथ क्योंकि डॉग को अगर हम देखें तो उसे मतलब कोई उठा के नहीं ले जाता या फिर उसे कोई लाइक सम्मान नहीं मिलता है तो सड़क पर मर जाता है उसे कहते हैं अनहीरोइक डेथ वो बिना कुछ किए मर गया हीरो नहीं बन पाया बिना हीरो के डेथ होना जबकि आपने देखा है मूवीज में हर हीरो कुछ ना कुछ ना बार -बार प्रिकेरियस, प्रिकेरियस या या भाई प्री में, आपने कार को बुक कर लिया। ना? प्री में ही पहले ही आपने कार को बुक कर लिया और क्या हुआ रेट डाउन हो गए तो ये आपके लिए डेंजरस होगा कि नहीं बिल्कुल डेंजरस होगा क्योंकि रेट हमेशा डाउन होते रहते हैं आजकल वैसे भी कोरोना चल रहा है तो मुश्किल है पैसे हमारे पास है नहीं तो बच्चों क्या होगा प्री केरियस प्री में ही हमने कार को क्या कर लिया है तो डेंजरस हमारे लिए रिस्की हो गया है अब कहां से पैसा लाएंगे अब देखेंगे बच्चों प्री पोस्टरस है ना प्री पोस्टरस हमने प्री में ही क्या किया कार तो खरीदी खरीदी थी अपना पोस्टर भी बनवा के लगवा दिया कार के साथ में कि हम इस कार को बस ले आए हैं जबकि पैसा नहीं मिला तो ये क्या कहानी बन जाएगी एब्जर्व बन जाएगी मतलब बेकार सी हो जाएगी मजा नहीं आएगा वेग हो जाएगा तो एब्जर्ड होना प्री में ही अगर आप पोस्टर छपवा देते हैं जैसे आज आप पोस्टर छपवा दें कि अभी मेरा तो एग्जाम निकल जाएगा डीएसएसबी का डन हो गया आज से पोस्टर लगा के छाप दें मैं डीएसएसबी बन गया और फिर एग्जाम में जाए तो कैसा लगेगा अगर ना हो एब्जर्ड सा लगेगा तो कैसे भी जोड़ सकते हैं मजेदार बात तो हम पहले पोस्टर नहीं छपवाएंगे जिससे वो चीज एब्सर्ड ना हो बल्कि जेनुअन हो बाद में पोस्टर छपवाएंगे राइट बच्चों प्री सेज इसका मतलब होता है टू फोर्टेल। टू फोरटेल फोरटेल क्या होता है भविष्यवाणी करना प्री सेज तो देखो, प्री में ही सेज जो होते हैं सेज का मतलब क्या होता है बच्चों साधु पढ़ाया साधु। तो साधु भविष्यवाणी कर देते हैं और भविष्यवाणी होती भी क्या है पहले ही होती है कि भाई किसी साधु के पास आप में गए सेज के पास में और उससे पूछा कि मैं मेरी डीएसएस भी पास हो जाएगी या नहीं है ना तो वो कहता है एक सौ एक रुपए रखो यहाँ पे और मैं आपको बताता हूँ आप एक सौ एक रखते हैं वो कहता है कि तब तक प्रणाम करो नीचे झुक के आप प्रणाम करते वो गायब हो जाता है लेकिन वो क्या कर गया फोर्टेल कर गया कैसी फोर्टेल के आगे किसी से मत पूछना तो देखो प्री सेज यानी टू फोरटेल करना भविष्यवाणी करना अगला देखेंगे बच्चों प्रोब इसको तो आप जानते हैं प्रोब इनटू जब मैं कहता हूं इसका मित्र तो छानबीन करना जैसे पुलिस छानबीन करती है इन्वेस्टिगेट करती है पुलिस एक्सप्लोर करती है वेरीफाई करती है तो पुलिस के द्वारा वेरीफाई किया जाना एक्सप्लोर किया जाना या इन्वेस्टिगेट किया जाना किस चीज को बच्चों शो करता है प्रो अगर मैं इसका एक सिनोनिम आपको बताऊं तो होता है लुक इन टू या तो बच्चों आप प्रो इन टू कह दो या आप लुक इंटू कह दो बात एक ही है दोनों का मीन्स क्या बनता है छानबीन करना और वो भी किसी पर्टिकुलर केस के लिए मैटर के लिए जैसे पुलिस करती है अगला वर्ड है हमारा प्रोग्नोसिस इसका मीन्स है प्रोस्पेक्टस या फोरकास्ट प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या होता है कि आने वाली चीज के बारे में पहले से ही बताता है जैसे आप एग्जाम में जब जाते हो सॉरी अपना एडमिशन लेने जाते हो तो पहले जिस एग्जाम का आपको जिसमें एडमिशन लेना है उसका प्रोस्पेक्टस लेते हो वहां सब कुछ लिखा होता है कि भाई हम ऐसे ऐसे करेंगे ये होगी क्लास ये पढ़ाएगा ये प्रोस्पेक्टस हो गया कौन फैकल्टी कहाँ पे है कौन प्रिंसिपल एक्सेट्रा हमें सब पता इसका मीन इसको कहते हैं प्रोग्नोसिस है ना प्रोग्नोसिस यानी कि प्रोग्नोसिस कहते हैं ना जैसे हम प्रोब करते हैं तो पहली प्रो प्रोब से पहले हमें पता चलेगा कि प्रोस्पेक्टस क्या है या फोरकास्ट क्या है तो प्रोग्नोसिस का है फोरकास्ट या प्रोस्पेक्टस होना उसकी जानकारी पहले ही हो जाना फोरकास्ट भी होता है क्या सर इसका हाँ बिल्कुल होता है फोरकास्ट हंड्रेड परसेंट बनेगा प्रीसेज का अगर हम कहेंगे और प्रोग्नोसिस का कहेंगे फोरकास्ट भी बनेगा दोनों का दोनों एक जैसे हैं ठीक है ही ना अगला वर्ड बच्चों देखते सरोगेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड इसलिए है बच्चों कि सरोगेट का मीन्स होता है समवन हु प्लेस ऑफ अनोदर पर्सन जो दूसरे पर्सन का जैसे बच्चों आपने पढ़ा होगा सरोगेट मदर होती है आप जानते हो सरोगेट मदर क्या होती है सिर्फ दूध पिलाने वाली माँ सॉरी बल्कि जन्म देने वाली माँ भी जिन जिन मदर फादर को बच्चे नहीं होते वो क्या करते हैं मदर को किराए पे ले लेते हैं है ना तो बाकी सब इनका ही होता है मतलब स्पर्म या फिर ओवम अगर करें तो किसका होता है इन इन हस्बैंड वाइफ का लेकिन ये बदले में इसको दो चार लाख देते हैं जैसे इसका कुछ फिक्स रेट है गवर्नमेंट की तरफ से लीगल है भी है। दो चार उसे करते है। और वो किराए की कोक प्रोवाइड करती है।, के उसे सरोगेट कहते है इस तरह से सरोगेट मदर का राइट तो सरोगेट मदर का मीन की कोख वाली माँ वो किराए की कोख प्रोवाइड करती है तो ये वर्ड बड़ा ही है क्योंकि आजकल होट है बच्चों बच्चो Annuate मतलब समय जब पूरा हो जाए तब तो सुपर एनुएटेड का वैसे कहते हैं, मतलब है एक तरह से बुढ़ापा हो जाना तो सुपर एनुएटेड बुढ़ापे के बाद जो रिटायर ऑन अकाउंट ऑफ विद पेंशन मतलब एज की, एज की पे के इसकी एज हो गई है जैसे आपने देखा या तो फिफ्टी एट पे जाके होता है सॉरी सिक्सटी पे हो गया है या तो आपका 60 पे होता है या फिर आपने एक पर्टिकुलर टाइम पूरा तो तो ये ये वाला जो जो है सुपर में आएगा तो एक ऐसा पर्सन एज के अकाउंट पे, पे पेंशन के साथ में रिटायर होता है अब देखो बच्चों अगला स्ट्रोल आपने कई बार देखा होगा स्ट्रोल का अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं आपने अक्सर ये देखा होगा ट्रेन में बैठे हैं ट्रेन जाके रुकी अभी अगले स्टेशन पे आपको कहीं दस बीस स्टेशन आपके बचे हैं तो स्टेशन पे जब पांच दस मिनट के लिए गाड़ी रुकती है आप उतरते हो उसमें से थोड़ी देर घूम के आते हो इधर को थोड़ा देखते हो कौन कहाँ पे है इधर को देख के आते हो कौन कहां पे है और फिर वापस आके इसमें ट्रेन में बैठ जाते हो तो ये स्ट्रोल कहलाती है एक छोटी सी वॉक प्लेजर के लिए या फिर एक्सरसाइज के लिए करेक्ट बच्चों और कई बार ऐसा भी होता है कि आप ट्रेन से नीचे उतरे और आप वहां पे देखने लगे किसी को देख रहे हैं और देखते देखते आप इधर देख ही रहे हैं ट्रेन उधर से पीछे से निकल गई अब आप पीछे पीछे भाग रहे हैं ट्रेन के ट्रेन आगे आगे है बड़ा मुश्किल हो गया इसके बाद आपने डिसाइड किया आज के बाद नहीं देखूंगा लेकिन फिर से ऐसा हुआ अगली बार फिर आए थे फिर उतरे फिर किसी को देखा तो ये कंडीशन क्या है वो कहे पे उतरे हैं, हैं बच्चों राइट अगले वर्ड पे आते सर्विलेंस देखो सर्विलेंस आपने बहुत सुना होगा जब भी हमारा मोबाइल खो जाता है या फिर कोई और कंडीशन होती तो किसी के भी मोबाइल को सर्विलेंस पे लगा दिया जाता है सर्विलेंस बेसिकली क्या होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पर्सन और ग्रुप किसी ग्रुप या पर्सन का क्लोज ऑब्जर्वेशन होना मतलब बड़ी नजदीकी से उस पर ध्यान रखते हैं ये कहां पे गया क्या कर रहा था किससे बात कर रहा था वो सारी चीज रिकॉर्ड रहती है इसको कहते हैं बच्चों सर्विलेंस और बेसिकली सर्विस का कौन यूज करता है इस यूज यूज सर्विस का यूज करती है पुलिस करती है या फिर सारी के सारे लो एनफोर्सिंग बॉडीज करती हैं करेक्ट बच्चों जी बिल्कुल ठीक है ऑल राइट right, बच्चे हंस रहे हैं सब लोग ये अच्छी बात है हंसना जरूरी है स्वैंसोंग देखो बच्चों मैंने बताया था अंतिम भाषण किसी पर्सन का अंतिम भाषण स्वयं सोंग कहलाता है अ पर्सन लास्ट अट्रेंस अट्रेंस का मीन जो उसने बोला हो या फिर वर्क ये लिखा हो है ना जैसे गांधी जी का हम स्वयं सोंग कहें तो बच्चों क्या था हे राम उनके सबसे लास्ट वर्ड क्या थे हे राम तो हे राम गांधी जी का स्वयं सोंग था लेकिन बच्चों अगर किसी का सबसे पहला सॉन्ग हो पहला सबसे स्पीच हो तो उसे हम कहते हैं मेडन स्पीच मुझे उम्मीद है कि हम इसे दोबारा भी देख रहे हैं तो बच्चों वो मेडन स्पीच कहलाता है याद आ रही है बात प्रथम भाषण और मेडन अगर मैं अकेला वर्ड देखू तो इसका मीन्स होता है एक ब्यूटीफुल यंग अनमेरिड लड़की तो मेडन के लिए ऐसे कह लो आप मेडन के लिए जो हम स्पीच बनाते हैं अपनी जिंदगी का पहला वो क्या होता है प्रथम भाषण मतलब ऐसा बना सकते हैं आप मजाक में तो मेडन स्पीच प्रथम भाषण जबकि बच्चों स्वैन सोंग इसका उल्टा बन गया एंटोनिम हो गया जिसका मीन्स है अंतिम भाषण ये फर्स्ट भाषण होगा आपका तो मेडन स्पीच एंड स्वैन सोंग और बच्चों एक ऐसा स्पीच जो बिना तैयारी के बोला जाए बताओ उसको हम क्या कहते हैं एक्सटेम्पोर कितने बच्चों ने पढ़ा है पढ़ाए एक्सटेमपोर एक्सटेम्पोर क्या होता है मतलब एक्सटेम्पोर का है बिना तैयारी के विदाउट प्रिपरेशन और इसी को बच्चों हम कहते हैं इम प्रोम इम प्रम टू भी क्या होता है बिना तैयारी के एक्सटेमपोर इम प्रोम टू ये दोनों बिना तैयारी के होते हैं जबकि मेडन स्पीच फर्स्ट भाषण और बच्चों स्वैनसोंग हमारा लास्ट भाषण यूपी पीजीटी का कोर्स है स्नेहा कह रही है जी स्नेहा बेटा हाँ, आप मुझसे बात कर लेंगे स्नेहा इसी नंबर पे आप मुझे कॉल कर लेंगे जी प्रिया बिल्कुल ठीक है पढ़ा है प्रिया आपने ठीक है सबिया हाँ जी तो बच्चों ये सारे वर्ड्स हैं देखो आज के वर्ड्स हमारे इतने हुए और अब आपके पास है एक्टिविटी का टाइम आज का आपका वर्ड है बच्चों एंटरटेनमेंट आपने पढ़ा भी होगा एंटरटेनमेंट है ना तो कल आपको बताना है और कल का मतलब है अभी भी आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसका आंसर बच्चों क्या होगा वुड यू मीन बाय एंटरटेनमेंट ये ट्राईलैंड की एक्टिविटी है जो आप इसमें देख सकते हैं जीआईसी के लिए प्रवक्ता पोस्ट के लिए भी कोई बैच लाएंगे जी हिना हिना बेसिकली बेटा मैं बताऊं वर्क तो हो रहा है उस पे हां स्नेहा बिल्कुल ठीक है इंप्रोम्प्टो उस पे वर्क तो हो रहा है बट जो बच्चे जिन बच्चों ने ये डी का ज्वाइन किया है वो उनको जरूरत नहीं है फिर उसकी उसमें मैक्सिमम चीजें हो जाएंगी है ना सिर्फ वो बच्चे जो नहीं ज्वाइन कर पाए हैं वो मुझसे बात कर लेंगे ऑल राइट ठीक है बच्चों हाँ टू एम्यूज बिल्कुल ठीक है प्रिया बहुत अच्छे जी ही ना टू एंजॉय समथिंग एग्जैक्टली एंटरटेन में टू एंजॉय समथिंग हाँ डिलाइट एम्यूज चलो सब बच्चों ने देख लिया है इसको ढूंढ दिया है जी ठीक है बिल्कुल प्रिया रीना हीना सबिया स्नेहा बिल्कुल सही है तो बच्चों ये आपका बन गया आज का लेक्चर तो आज हम इतना ही वर्क करेंगे है ना आप इसे शेयर कर सकते हैं पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों यहाँ से टेलीग्राम चैनल से जिसका लिंक नीचे दिया गया है तो इसको फॉलो अप कर सकते हैं और मैं कहता हूं कि आपको आप इसे शेयर करें सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और आइकन बेल जो इस पर होती है उसको भी सब बच्चे दबाएं ठीक है बच्चों तो चलिए मिलते हैं कल शा, आज शाम को अगेन एट सेवन पी एम फॉर लिटरेचर एंड इन द मॉर्निंग एट एट फिफ्टीन फॉर द वोकैबुलरी तो बच्चों शॉर्ट सेशन है बट ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट डे